तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। देखिए ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तेरा खावा में तेरी गीत गा या रसूल अल्लाह। तो गुलाम जो होता है जिसका खाता है ना उसका गाता है, उसको नाज होता है कि मेरा आका कितना बड़ा आका है। तो सच्चा आशिक हो वो गुर्रा कैसे सकता है, वो आंखें कैसे दिखा सकता है। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं इस दौर में भी जो सरकार का खाते हैं उसके गुलाम से उलझते हैं। अल्लाह, यानी जिसका खाना उसके गुण गाए जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वहां उलझते हैं। तो गुर्राना मीन्स होता है उलझना, तो उनके गुलाम से उलझते हैं, उनकी अताओं से उलझते हैं, उनको मानने से इनकार कर देते हैं। तो अल्लामा साहब ये तो नमक हलाल ही ना हुई, नमक हराम ही हुई। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लफ्ज दिया आपने, है ना, ऐसा ही है। तो ये वाकई नमक हराम ही है, लेकिन ऐसा ही करना चाहिए। आशिक को चाहिए कि जिनका खाए उसी का गाए, क्योंकि जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। सोशल मीडिया पर इस्लाम की सही तालीमात जानने के लिए अभी हाफिज साहिर खादरी का नया यूट्यूब चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके।